हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? नाउ आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है. ये जो फायदा है आपका एनालिडा, ये आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है. यहाँ इम्पॉर्टेंट फीचर्स डेवलप होते हैं. एनालिडा तक आते आते मैंने जैसे बात करी थी पहले कि फायदाज कॉम्प्लेक्स होते चले जाएंगे, तो ऑफकोर्स एनालिडा तक आते आते यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स यहाँ डेवलप हुए हैं. देखो, हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इसके हैबिटेट से. इसका हैबिटेट क्या है? इसका जो हैबिटेट होगा वो ये वाटर में सर्वाइव कर सकता है और ये लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है. अब बात कर रहे हो आप इक्वाटिक की, तो इक्वाटिक में ये मराइन भी हैं एनिमल्स और फ्रेश वाटर में भी सर्वाइव कर रहे हैं. अगर आप इक्वाटिक की बात करोगे तो नेरीज जो इसका एनिमल है, नेरीज ये इक्वाटिक है, ये पानी में सर्वाइव कर रहा है. सेकेंड बात आती है फ्री लिविंग की. जो फ्री लिविंग भी है, कुछ जो आपके लैंड पे रह रहे हैं और कुछ क्या है यहाँ पे जो टेरेस्ट्रियल में फ्री लिविंग के साथ साथ पैरासिटिक फॉर्म्स हैं, कि वो पैरासाइट है. जैसे कि आप लीच की बात करोगे, यहाँ सकर्स प्रेजेंट होते हैं इसके पास में, ओके, ब्लड सक करने के लिए. तो ये क्या करता है, नरिशमेंट लेता है सकर्स के थ्रू. सकर्स ही नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा अपनी बॉडी को. तो ये क्या है, एक पैरासिटिक फॉर्म है. फिर हम यहाँ बात करते हैं जो उसके इम्पोर्टेंट फीचर्स की. तो देखो, मेरीज की बॉडी क्या है, आगे माउथ प्रेजेंट है, उसके बाद इसकी बॉडी में यहाँ सेगमेंट प्रेजेंट है. उसकी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है. यहाँ शूडो सेगमेंटेशन नहीं है, यहाँ कंप्लीट सेगमेंटेशन मिल रहा है बॉडी में, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन मिल रहा है. दैट मीन्स ये सुपरफिशियली डिवाइड नहीं है, कंप्लीट बॉडी में सेगमेंट प्रेजेंट है. फिर बात आती है इसमें सिमेट्री जो मिलेगी. ऑफकोर्स इस एनिमल को जब आप एक इमेजिनरी लाइन इसके एक्सेस से निकालते हो तो क्या होगा, ये टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है. तो ये बात आती है आपके बायलेटरल सिमेट्री की. फिर बात आती है ट्रिप्लोब्लास्टिक की, कि ये एनिमल्स क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है. दैट मीन्स इन एनिमल्स में थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट है, एक्टोडर्म भी प्रेजेंट है, एंडोडर्म भी प्रेजेंट है और मीजोडर्म भी है. दैट मीन्स इसकी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो किसी ना किसी लेयर से डिराइव हुए हैं. सेकेंड, थर्ड बात आती है, यहाँ सिलोम प्रेजेंट है जो शूडो नहीं है. दैट मीन्स ये सिर्फ मीजोडर्म से लाइन नहीं है बॉडी कैविटी, सॉरी शूडो नहीं है. शूडो सिलोम में क्या होता है, जो सिलोम है उसमें बीच में पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पाउचेस प्रेजेंट नहीं है. ऑफकोर्स पूरी बॉडी कैविटी क्या है, मीजोडर्म से लाइन होती है. तो आप कहते हो यहाँ क्या मिल रहा है, सेगमेंटेशन मिल रहा है, ठीक है. थर्ड बात, ये सिलोमेट्स है. अब बात आती है बॉडी ग्रेड की. बॉडी ग्रेड क्या है या उसका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, बॉडी लेवल क्या है. तो देखो, यहाँ ऑर्गन लेवल ऑफ डेवलप हो चुका है. यहाँ ऑर्गन्स डेवलप है, पिछले फाइला में भी आपके ऑर्गन डेवलप थे. तो देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. अगर वो पुट करता है तो सेगमेंटेशन की बात कर रहा है, सिलोम की बात कर रहा है. तो आपको ध्यान रखना, सिलोम, सेगमेंटेशन और सिमेट्री, अगर ये तीनों बात करती और कुछ फाइला दिए हो तो आप ध्यान रखोगे ये सारे फीचर्स किसमें अवेलेबल है, एनालिडा में अवेलेबल है. अब इम्पॉर्टेंट बात करेंगे हम, मतलब होता है लिटिल रिंग, लिटिल रिंग, और इडियोस मतलब होता है फॉर्म. इनका फॉर्म कैसा है, इसमें लिटिल रिंग की फॉर्म में होते हैं ये एनिमल्स, ठीक है. अब वो क्या है, देखो इसकी बॉडी के बारे में डिस्कस करें तो ये जो इसकी बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसमें ऊपर क्यूटिकल होती है, ऊपर की लेयर क्यूटिकल है, क्यूटिकल से ठीक नीचे एपिडर्मिस है, और एपिडर्मिस से ठीक नीचे यहाँ मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती है, ओके. अब बात करते हैं हम इसकी एलिमेंट्री केनाल. इसकी जो एलिमेंट्री केनाल है वो कंप्लीट है, प्रॉपर. इसके पास इसके एलिमेंट्री केनाल में दोनों अपर्चर प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट है. इसीलिए आपने कहा कि इन एनिमल्स की एलिमेंट्री केनाल कंप्लीट होती है, ओके. थर्ड हम बात करते हैं इसके एक्सक्रीशन की बात करेंगे. यहाँ एक्सक्रीशन में इसके पास में नेफ्रिडियाज प्रेजेंट है, ओके. अब ये जो नेफ्रिडियाज होते हैं, ये क्या करते हैं, नेफ्रिडियाज एक्सक्रीशन में हेल्पफुल होते हैं.
और प्लस ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्पफुल होते हैं, ऑस्मो रेगुलेट करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात आती है इसकी सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसका जो सिस्टम है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, याद रखना यहाँ इसका सिस्टम क्या है, क्लोज है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम इसका क्लोज है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एनालिथ्स में नहीं मिलेगा। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज है, यहाँ जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, यहाँ पे रेस्पिरेटरी पिगमेंट, यहाँ हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। अब बात आती है इसका नर्वस सिस्टम इम्पोर्टेंट है। देखो इसके नर्वस सिस्टम में क्या होती है, उसके पास में नर्व रिंग प्रेजेंट होती है। अगर आपने कुछ पहले प्रैक्टिकल चलता था, आपको अर्थवर्म से नर्व रिंग निकालनी होती थी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है क्या, नीडीज है। सेकंड अर्थवर्म है, अर्थवर्म को आप कहते हो फेरेथिमा, पेरेथिमा पोस्टुमा। एक थर्ड एग्जाम्पल जो है इसका, जैसे मैंने सर्कस का एग्जाम्पल दिया था, वो प्रेजेंट होते हैं लीच में, जिसको आप बोलते हो हिरोडिडिया, जो ब्लड सकर है। ओके, अब बात आती है इसके नर्व रिंग प्रेजेंट है, नर्व कॉर्ड। नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होता है कहाँ, डॉर्सल साइड पे नहीं प्रेजेंट होगा, वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होगा, बीच में प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रल साइड सरफेस पे। जो यहाँ स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे आपने कहा है नर्व कॉर्ड, जो नर्व से बना हुआ होता है। एक थर्ड इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ जो गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, सिंगुलर को कहोगे गैंग्लियॉन्स, तो क्या प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे, पेयर गैंग्लियॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब एनिमल की बात आती है, उसका सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, तो डायोशियस एनिमल भी मिलेंगे, मोनोशियस भी मिलेंगे। अब जो डायोशियस मिल रहे हैं एनिमल, वो है मेलीज, कि आप मेल और फीमेल को अलग अलग पहचान सकते हो, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, मेल और फीमेल, मॉर्फोलॉजिकली आप उनको देख के पहचान सकते हो, इट इज मेल और इट इज फीमेल। ओके, मेलीज। मोनोशियस में आएगा अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म, अर्थवर्म और लीच, एक का नाम है पेरेथिमा और एक का नाम है हिरोडिनेरिया। ये जो दोनों ही है ये मोनोशियस है। ओके, दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही एनिमल में प्रेजेंट है, इसलिए आपने कहा है मोनोशियस। थर्ड बात आती है इसकी डेवलपमेंट की, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ डायरेक्ट डेवलपमेंट भी मिल रहा है, इनडायरेक्ट भी मिल रहा है, और जहाँ इनडायरेक्ट मिल रहा है तो इसका लार्वा है ट्रोकोफोर लार्वा। इसका लार्वा क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि वहां लार्वा प्रेजेंट है, लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट है। एक फर्टिलाइज एग से पहले लार्वल स्टेज आएगी और फिर ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। ठीक है, नॉर्मल स्टेज जो होती है वो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट फॉर्म होती है। जैसे आप मस्कीटो का देखोगे, वो मस्कीटो फ्लाई कर सकता है लेकिन उसका लार्वा फ्लाई नहीं कर सकता है, वो वाटर में सर्वाइव कर रहा है, जबकि आपका जो मस्कीटो है वो क्या कर रहा है, एक ऊपर एटमोसफेयर में फ्रीली मूव कर सकता है, बिकॉज इट हैज अ फेस। ओके, तो यहाँ पे बात आती है इसकी डेवलपमेंट की। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देखेंगे, ये ट्यूब विद इन ट्यूब क्या कह रहा है, एनालिट के मेंबर्स को, सॉरी एनालिट के मेंबर्स को कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब। इनकी शेप है वो क्यों है, ट्यूब इसलिए क्योंकि इनकी बॉडी ट्यूब शेप में है। इनकी बॉडी कैसी है, ऐसे इस तरह से ट्यूब शेप में है। अब इस ट्यूब शेप में ये बॉडी है और अंदर क्या प्रेजेंट है, एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट है, और ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये भी एक ट्यूब के फॉर्म में, इसीलिए आपने कहा ट्यूब विद इन ट्यूब। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स है, याद रखना, मेटेनेरिक सेगमेंटेशन, सीलोमेट्स, बायलेटरल सिमेट्री और ऑर्गन ग्रेड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है, याद रखोगे। यहाँ ये क्या है, ट्रू सेगमेंटेशन मिल रहा है, सेगमेंट्स टोटली डिवाइड हैं। ओके, यहाँ मैं एनालिटा कंप्लीट करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोपॉड्स। ओके, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।